दोस्तों आपके नियरेस्ट में जो आपकी SBI की ब्रांच है, अगर उस ब्रांच में आप घर बैठे ही अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लगातार बने रहे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार SBI ब्रांच में आप घर बैठे ही अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों ये जो अकाउंट है आपको वीडियो EKYC के थ्रू ओपन करना होगा, और जब ये अकाउंट आप ओपन कर लेते हैं तो दोस्तों आपका जो डेबिट कार्ड है और आपकी पासबुक है और आपका जो चेकबुक है आपके बाईपोस्ट पर आपको भेज दिया जाता है, वहां से आप अपना जो किट है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में, आपको A to Z कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार आप SBI बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से योनो SBI बैंक की इस ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। जब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस एप्लीकेशन का सबसे पहला इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को सबसे पहले आपकी जो भी लोकेशन है उसको यहाँ पर परमिशन दे देना है। एप्लीकेशन को लोकेशन की परमिशन देने के बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, एग्जिस्ट SBI कस्टमर एंड न्यू टू SBI। तो सिंपली हम यहाँ पर नीचे जो न्यू टू SBI है सिंपली इसी पर ही क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे आपको ऊपर में ही एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, ओपन सेविंग अकाउंट, सिंपली हम इसी पर ही क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर से दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, विदाउट ब्रांच विजिट एंड विथ ब्रांच विजिट। जो फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन शो हो रहा है विदाउट ब्रांच विजिट, क्योंकि जो अकाउंट है हम बिना बैंक जाए ही ओपन करेंगे, तो हम यहाँ पर विदाउट ब्रांच विजिट पर ही क्लिक करेंगे जो ऊपर वाला ऑप्शन है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर इंस्टा सेविंग अकाउंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो कि वीडियो KYC के थ्रू कंप्लीट ओपन किया जाएगा। स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आप यहाँ पर ऊपर में देखेंगे स्टार्ट एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें अकाउंट ओपनिंग के कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर कौन सा हमें डेबिट कार्ड मिलेगा, रुपए डेबिट कार्ड हमें यहाँ पर दिया जाएगा, हम यहाँ पर फुल KYC के थ्रू ये अकाउंट ओपन करना होगा, कुछ इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। नीचे टेकआउट पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे, और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फिल करने के बाद में एक OTP हमें मोबाइल नंबर की वेरीफाई करना है और एक OTP हमें ईमेल की यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करके जैसे हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाती है, OTP को हम यहाँ पर फिल करेंगे एंड नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। सेम इसी प्रकार से हम ईमेल आईडी की भी OTP को सेम वेरीफाई कर देंगे। बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको अपना एक पासवर्ड बनाना होगा, चूंकि अकाउंट आप ओपन कर लोगे तो इसी एप्लीकेशन में आप अपने अकाउंट को कंप्लीटली मैनेज कर पाओगे, तो आपको यहाँ पर पहले ही इस एप्लीकेशन के एक पासवर्ड जनरेट करने होंगे। तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग से पासवर्ड बनाने हैं, पासवर्ड के अंदर जैसे @ वगैरह आपको कैप्चर यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे एंड रिकन्फर्म यहाँ पर आप पासवर्ड बना लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का चुनाव यहाँ पर कर लेना है, ताकि आप भविष्य में अपने पासवर्ड भूल जाते हैं तो यही क्वेश्चन आपको पासवर्ड रिकवर करने के काम आएगा। तो पासवर्ड हम यहाँ पर कंप्लीट बना लेते हैं, इसके बाद में ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन खुलकर आ जाएगी पर्सनल डिटेल की, तो नीचे फिर से हम टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, आधार कार्ड नंबर एंड एंटर VID नंबर। हमारे आधार कार्ड पर ये दोनों ही नंबर होते हैं, तो जो ऊपर वाला ऑप्शन है एंटर आधार नंबर पर हम क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे एंटर आधार नंबर पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आधार कार्ड की जो नंबर है वो नंबर अब हम यहाँ पर फिल करना है, तो हमारे 12 डिजिट के आधार नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे एंड गेट OTP पर क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाती है, OTP को हम यहां पर फिल करेंगे एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। OTP फिल करके जैसे हम यहां पर सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर शो हो जाती है। तो बहुत सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल होकर आ चुकी है, और जो डिटेल यहाँ पर छूट गई है उस डिटेल को आपको यहाँ पर मैन्युअली ही फिल करना है एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे देखेंगे टर्म एंड कंडीशन का एक चेकबॉक्स आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स के अंदर जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर ऊपर फिल करेंगे। पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद में आपको फिर से नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। के बाद दोस्तों पर्सनल डिटेल में आपके आधार कार्ड पर जो आपकी फोटो है वो आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी, तो फोटो को आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है एंड नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल डिटेल के अंदर दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है जो भी आपकी एजुकेशन है वो एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आपकी एजुकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, आपके अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं
एडिशनल डिटेल्स के अंदर दोस्तों आपका जो भी एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आपका जो भी नेम है, आपके फादर्स का नेम है, फादर्स के नेम का जो टाइटल है वो आपको यहाँ पर डालना है। आपका फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करना है। एंड मदर्स का नेम भी आपको यहाँ पर फिल करना है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करके नीचे स्पोज नेम है, आपकी पत्नी का नेम या फिर आपका पति का जो नेम है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में नीचे चेकबॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, टर्म्स पर क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल डिटेल के अंदर ऑक्यूपेशन में आप क्या काम करते हैं, आप जो भी काम करते हैं वो आपको यहाँ पर चुनाव कर लेना है। जैसे आप कोई सर्विस करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या फिर दोस्तों अगर आप कोई अदर कार्य करते हैं तो आपको अदर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में और भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर खुलकर आ जाते हैं, जैसे स्टूडेंट का, हाउसवाइफ का या फिर कोई एग्रीकल्चर का कार्य करते हैं, उन सारे कार्य की लिस्ट यहाँ पर खुलकर आ जाती है। जो कार्य भी आप करते हैं वो आप यहाँ पर चुन लेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपकी जो भी एनुअल इनकम है वो एनुअल इनकम आप यहाँ पर फिल करेंगे। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जो भी एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पर जीरो फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका रिलीजन आपको यहाँ पर चुन लेना है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, जो भी आपका रिलीजन है वो आप चुन लेंगे। आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, वो आप यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में आप नॉमिनी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। जो अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं इस अकाउंट में आपको अपना एक नॉमिनी बनाना है। तो जो व्यक्ति भी आप यहाँ पर नॉमिनी बनाना चाहते हैं उस नॉमिनी की जो भी सारी डिटेल है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। उस नॉमिनी से आपका जो भी रिलीजन है वो रिलीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो बेटा है उसको आप रिलीजन बना रहे हैं या आपका पिता है उसको रिलीजन बना रहे हैं। जो नॉमिनी आप बना रहे हैं उस नॉमिनी का जो भी एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके जो पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड आपके जो नॉमिनी जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का चुनाव आप यहाँ पर कर लेंगे। तो नॉमिनी की सारी डिटेल फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके नियरेस्ट में जो आपकी ब्रांच है उसको आपको चुन लेना है। तो आप ऊपर में ही इस ब्रांच नेम पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ब्रांच नेम पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आपके नियरेस्ट में जो ब्रांच है उस ब्रांच का नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। ब्रांच का नेम फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे अपने नियरेस्ट ब्रांच का नेम यहाँ पर फिल करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपके नियरेस्ट ब्रांच का जो कंप्लीट एड्रेस है वो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो अपनी ब्रांच को यहाँ पर एक बार आपको वेरीफाई करना है एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो एक टर्म एंड कंडीशन का पेज आपके सामने खुलकर आ जाता है। तो इन सभी टर्म एंड कंडीशन को आपको रेगुलर स्क्रॉल डाउन करना है। रेगुलर स्क्रॉल डाउन करने के बाद में नीचे ही नीचे आपको एक चेकबॉक्स शो हो जाएगा। चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है एंड फिर से आपको नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। आपके मोबाइल नंबर पर एक फाइनल ओटीपी आ जाती है। इस ओटीपी को आपको एक बार फिर से यहां पर फिल करना है एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा, आपका जो एटीएम कार्ड आएगा, उस एटीएम कार्ड पर आप क्या नाम चाहते हैं वो नाम आपको यहां पर फिल करना है। कार्ड ऑन नेम पर तो वो नेम आपको यहाँ पर फिल करना है और नेम फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों फिर से यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टर्म एंड कंडीशन का एक पेज शो हो जाता है और यहाँ पर नीचे आपको एक चेकबॉक्स शो हो रहा होगा। इस पर आपको क्लिक करना है एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो KYC प्रोसेस। अब आपको दोस्तों यहाँ पर वीडियो KYC करनी होगी तो दोस्तों आपको वीडियो KYC करने का यहाँ पर कुछ प्रोसेस दिखाया गया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आप जब वीडियो KYC करेंगे तो आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया आपके पास में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड दोस्तों आपकी जो भी सेल्फी है वो आपसे यहाँ पर लाइव वीडियो कॉल के दौरान यहाँ पर ली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप एक बार रीड आउट कर लेंगे। वीडियो KYC का जो प्रोसेस है उसको आप यहाँ पर रीड आउट कर लेंगे और ये सारे प्रोसेस रीड आउट करने के बाद में आपको नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गेट रेडी यहाँ पर लिखकर आ चुका है। आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा स्टार्ट वीडियो कॉल। आप जैसे स्टार्ट वीडियो कॉल पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपका मोबाइल का जो कैमरा है वो आपसे यहाँ पर अलाउ होगा, एक्सेस वगैरह मांगेगा और आपकी जो वीडियो कॉल है SBI के जो कर्मचारी है उनको रीडायरेक्ट यहाँ पर कर दी जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को आप फॉलो करके SBI बैंक पे अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर लेंगे। इस एप्लीकेशन में आप अपनी सारी डिटेल फिर करके लास्ट के अंदर जब आपको वीडियो कॉल का जो ऑप्शन है वो शो हो जाता है तो वीडियो कॉल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपका जो कॉल है SBI के जो कर्मचारी है को लग जाता है और दोस्तों आपका जो पैन कार्ड है उनको आपको लाइव दिखाना होगा और आपकी जो सेल्फी है आपको एक सेल्फी देनी होगी और साथ ही साथ में आपका आधार कार्ड वो लोग लाइव देखेंगे और दोस्तों आपको एक लाइव अपना सिग्नेचर करके दिखाना होगा। ये सारे काम जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो SBI का अकाउंट है वो कंप्लीटली रेडी हो जाता है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपने जो ईमेल आईडी दी है उस ईमेल आईडी पर आपका जो अकाउंट नंबर है, आपका IFSC कोड है, आपकी जो कस्टमर आईडी है वो सारे ही आपको मिल जाता है और लगभग 7 दिन के अंदर आपके बाई पोस्ट पते पर जो आपने एड्रेस सबमिट किया है उस एड्रेस पर दोस्तों आपकी जो पासबुक है, चेकबुक है, आपका जो डेबिट कार्ड है वो आपको मिल जाता है। इस डेबिट कार्ड पर जो आपकी एनुअल फीस रहेगी वो दोस्तों सालाना आपको 120 रुपये पे करना होगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा आपका फिर भी कोई कंफ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।